रीवा से है। इस समय रीवा शहर में चारों तरफ ऑटो चालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जिससे ऑटो वालों को जहां जगह मिलती है, जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाते हैं। कई बार यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ लंबी कार्रवाई की, लेकिन फिर भी ऑटो चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के सिनेमा चौराहे में बीच सड़क पर ऑटो लगाकर ऑटो चालक सवारी भर रहे हैं। यही हाल पूरे शहर का है। अस्पताल चौराहा, जय स्तंभ चौक में भी ऑटो चालक आतंक मचा कर रखे हुए हैं। इस संबंध में जब यातायात थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा लगातार ऑटो चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह बड़ी समस्या ऑटो स्टैंड ना होने की वजह से हो रही है। ऑटो स्टैंड के लिए यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम को पत्र भी लिखा गया है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम कब तक ऑटो स्टैंड रीवा को दे पाता है। यातायात व्यवस्था क्या देख रही हैं आप, और लगातार ऑटो और ठेले वालों का आतंक, साथ ही साथ चालानी कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? चालानी कार्रवाई हमारे यहाँ से प्रतिदिन हो रही है, और जो ऑटो और ठेले की व्यवस्था के लिए भी हमने ऑटो की मीटिंग बुलाई थी, और उसमें ऑटो संघ को जो भी मीटिंग के अध्यक्ष थे उनको बताया था कि उनको सूचित करें कि ऑटो पूरी नियम से चलनी चाहिए, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वाहनों के लिए उसको फॉलो करते हुए वो लोग चलें। और ठेलों के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो भी ठेले के लिए रूल है, नियम है, उसमें हम जुर्माना करते हैं, और लगातार ये ठेले वालों के लिए और ऑटो की व्यवस्था के लिए हम लोग चालानी कार्रवाई प्रतिदिन करते हैं। वही देखा जाए तो ठेले की व्यवस्था करवा दी गई है, लेकिन ठेले के लिए व्यवस्था, ठेलों की जो व्यवस्था है उनके लिए कहीं जगह नहीं दी गई है, जिसके लिए हम लोग ने अपनी तरफ से अपने यहाँ से पत्राचार किया गया है, और जल्द ही अगर कोई व्यवस्था होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें एक ऑटो की जो पूरे शहर में थोड़ा चौकी रहती है, इसको लेकर उनको कहीं स्टैंड दिया गया है क्या, किस प्रकार से? स्टैंड कुछ जगह ऑटो के स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन ऑटो के स्टैंड बने होने के बावजूद वो लोग ऑटो स्टैंड के अलावा भी कई जगह खड़ी करते हैं। उनको हम लोग बार बार समझाइश देते हैं, और उनका जुर्माना भी किया जाता है समय समय पर, और ऑटो की कार्रवाई भी की जाती है। और ऑटो स्टैंड के लिए अलग से हमने यहाँ से पत्राचार किया है नगर निगम को, जिसमें अगर ऑटो स्टैंड अलग से बनाया जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नया कुछ नवाचार यातायात के द्वारा कुछ क्या कुछ किया जाएगा? नवाचार अभी हम लोग यातायात का प्रचार प्रसार करने के लिए बैनर्स, फ्लैक्स ये लगवा रहे हैं, और साथ ही
कॉलेज चौराहे पर सिग्नल जंप की भी कार्रवाई की जा रही है और हमको नगर निगम की तरफ से दो क्रेन का भी सहयोग है जिसके माध्यम से हम लोग लगातार उनका उपयोग करते हुए व्हील लॉक की कार्रवाई हमने अभी शुरू की है। तो व्हील लॉक की कार्रवाई हम लोग के द्वारा मतलब थाने के द्वारा की जा रही है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।